जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G लॉन्च हो गया है इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट के ऊपर 22,000 रुपए की प्राइस में, जिसके अंदर आपको 8GB की रैम और 256GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये जो स्मार्टफोन है 22,000 रुपए की प्राइस के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं, और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि इन्फिनिक्स जिस तरह से अपने स्मार्टफोन की प्राइस रखती है, उस हिसाब से जो उसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार जो इन्फिनिक्स ने जो कीमत रखी इस नए स्मार्टफोन की, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी। इसकी जो प्राइस थी 20,000 रुपए तक ही होनी चाहिए थी नॉर्मल प्राइस, और ऑफर लगाने के बाद इसकी प्राइस अगर 18,000 रुपए होती तो अच्छा रहता। लेकिन अभी जो ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 22,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च हुआ है, और इसमें जो ऑफर लगा के आपको 20,000 रुपए की प्राइस में ये स्मार्टफोन मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन आपको नहीं लेना है एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेगा सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो है इसकी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी अपने इस नए स्मार्टफोन को सिर्फ एक नए टॉपिक के नाम से बेच रही है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, वो भी मैक्सेप वाली चार्जिंग का, जो कि इंडिया के अंदर किसी भी स्मार्टफोन में इस तरह की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्सेप वाली वायरलेस चार्जिंग वाले स्मार्टफोन तो मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो आईफोन वाली मैक्सेप वाली चार्जिंग है उसका सपोर्ट अभी तक तो शायद से इंडिया में कोई स्मार्टफोन नहीं आया है। तो इसी चीज के नाम पर वो आपको ये स्मार्टफोन बेच रही है। और बात करेंगे अगर इसके कैमरा की, तो कैमरा में कुछ ऐसा खास किया नहीं इन लोगों ने, ना इसकी चार्जिंग स्पीड में काम किया है, ना ही जो है इसके प्रोसेसर पे इतना कुछ खास काम किया है। सारा कुछ इन लोगों ने सिर्फ वायरलेस चार्जिंग के नाम पर इस स्मार्टफोन को बेचने की सोच रखी है इन्फिनिक्स वालों ने। तो अगर आप लोगों को 22,000 रुपए की प्राइस में एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन या फिर अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलेगा डायमेंसिटी 7020 वाला प्रोसेसर, वो 22,000 रुपए के अकॉर्डिंग आज के टाइम के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है। क्योंकि इसी कंपनी का एक स्मार्टफोन आता है इन्फिनिक्स 035G, जो कि 22,000 रुपए की प्राइस में मिलता है, और सेम वेरिएंट मिल जाएगा 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज। उसके अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलेगा इससे काफी अच्छा मिल जाएगा, डायमेंसिटी 8050 वाला प्रोसेसर, और कैमरा भी जो है इसका अच्छा मिल जाएगा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो से। क्योंकि नोट 40 प्रो के अंदर आपको जो पीछे की तरफ 108 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा मिलेगा, लेकिन फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलेगा, और दोनों ही कैमरा से आप सिर्फ 2K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन इन्फिनिक्स 035G जो कि 22,000 रुपए में ही आता है, दोनों कैमरा से आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा मिल जाता है वो भी 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, और फ्रंट पे आपको जो है 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा 60 FPS के साथ। तो यहाँ पर जो कैमरा है इन्फिनिक्स 035G का काफी अच्छा रहने वाला है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो के कंपैरिजन में, और परफॉर्मेंस भी इसके अच्छे रहने वाली है। और तीसरी बात ये सोचने वाली है कि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो के अंदर आपको जो नॉर्मल वायर वाली चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 45 वाट का ही सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जबकि इस प्राइस में आजकल 67 या फिर 68 वाट की चार्जिंग कॉमन हो चुकी है। तो यहाँ पर इन लोगों ने वायरलेस चार्जिंग तो दे दी है, लेकिन इन लोगों ने जो नॉर्मल वाली चार्जिंग स्पीड है थोड़ा सा कम कर दिया है, उसको 45 वाट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ दे रहे हैं। और जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले Realme का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 12,000 रुपए की प्राइस में, आपको उसमें भी 45 वाट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बस इन लोगों ने थोड़ी सी हाइप बना दी है वायरलेस चार्जिंग के नाम पर। और यहाँ पर जो मैगसेफ वाली चार्जिंग है उसमें भी एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि वो जो स्मार्टफोन है वो मैगसेफ को सपोर्ट नहीं करता है, उसके साथ जो कवर मिलने वाला मैगसेफ वाला वो उस मैगसेफ को सपोर्ट करता है। अगर आप उस कवर को यूज नहीं करोगे तो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो के पीछे जो आप वायरलेस चार्जर यूज करोगे वो उसके साथ चिपकेगा नहीं, वो एक नॉर्मल वायरलेस चार्जर की तरह ही काम करेगा, जब तक कि आप उस पर वो चार्जिंग वाला केस नहीं लगा देते हो। अगर आप वो केस लगाते हो तभी आपका जो स्मार्टफोन के साथ वो जो है वायरलेस पावर बैंक जो चिपक जाएगा। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया इन्फिनिक्स वालों ने कि इस मैगसेफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम इसमें कवर दे देते हैं मैगसेफ वाला अलग से, और स्मार्टफोन के अंदर ज्यादा कुछ इन लोगों ने किया नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नॉर्मल देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स की तारीफ भी करनी बनती है, जैसे कि इसके अंदर आपको डबल स्पीकर मिल जाता है JBL के सपोर्ट के साथ, IR ब्लास्टर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और एक और नया जो खास फीचर है AI हेलो लाइट का, वो भी इसमें आपको पीछे बैक की तरफ देखने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि फ्रंट में आपको जो है सेल्फी के लिए भी एक फ्लैश देखने को मिल जाती है, और इसकी जो डिजाइन है वो भी काफी अच्छी है, और इसका जो डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा तो डिस्प्ले भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, और एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट इसमें देखने को मिल ही जाएगा। और इसके बॉक्स के अंदर आपको सारी जो जरूरी एसेसरीज होती है वो सब देखने को मिलने वाली है, आपको अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इन चीजों में तो इनकी तारीफ करना बनता है, जहां पर ये स्मार्टफोन सही है वहां पर तो सही है, लेकिन जहां पर पीछे रह जाता है जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस, कैमरा और चार्जिंग स्पीड, बस इन तीन चीजों में मुझे इसमें कमी लगी। अगर ये तीन चीजों में कोई कमी नहीं होती तो ये जो स्मार्टफोन है 22,000 रुपए की प्राइस में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता था इंडिया के अंदर। और वायरलेस चार्जिंग इसको थोड़ा सा आगे ले जाती है, लेकिन अगर आप वायरलेस चार्जिंग को भूल जाओ, क्योंकि हर कोई वायरलेस चार्जिंग का यूज नहीं करेगा या फिर हर किसी के लिए वायरलेस चार्जिंग जरूरी नहीं होती है। यहाँ पर एक चीज जरूर अच्छी हो जाएगी कि जिन लोगों ने इस स्मार्टफोन को पहले ही दिन परचेस कर लिया होगा या फिर ऑर्डर कर लिया होगा, उन लोगों को उस स्मार्टफोन के साथ एक वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाएगा और मैगसेफ वाला कवर भी देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको अलग से पैसा देना नहीं पड़ेगा और 2,000 रुपए का कहीं ना कहीं जो डिस्काउंट भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर एसेसरीज को कंप्लीट करते हुए माने तो स्मार्टफोन की जो ये डील हो जाती है अच्छी खासी साबित हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डील में से परचेस करते हो, चाहे 20,000 रुपए में परचेस करो या फिर 22,000 रुपए में, मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पीछे लगता है। तो अगर आप लोगों के लिए प्रायोरिटी कैमरा या फिर परफॉर्मेंस है तो इस स्मार्टफोन को आप बिल्कुल मत खरीदना, इसके बजाय आप इसी का जो है इन्फिनिक्स 030 खरीद सकते हो। तो आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।